हाँ जी, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डीके ठाकुर ब्लॉग्स। तो गाइस आज है 15 तारीख और अभी मैं दिल्ली में अभी सो के उठा हूँ। तो गाइस आज किसी को आप लोगों से ब्लॉग में मिलवाना है दिल्ली के अंदर। अभी मैं सो के उठा हूँ तो अभी जा रहा हूँ नहाने, नहा धो के तैयार हो जाए। और 23 तारीख को गाना आ रहा है मेरा, ठीक है। तो 23 तारीख को भाई सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन लोगों ने नहीं कर रखा है। तो गाइस मैं हो गया तैयार और अब अपन लोग निकल रहे हैं यहाँ से। आप भी देख रहे हो तिलक लगे एकदम, मास्क मैंने ले लिया। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए घर से। ईशू बाइक चला रहा है, ईशू और मैं साथ जाएंगे। मोनू हमें छोड़ने जा रहा है मेट्रो स्टेशन, यहाँ से मोनू बाइक लेकर आ जाएगा वापस और मैं ईशू आगे की तरफ निकलेंगे। फिर मिलवाएंगे ऐसा आपको। बहुत बहुत ना बिल्कुल सिंपल है भाई अपनी तरह और बहुत जेन्युइन है ना। काफ़ी टाइम से भाई से मेरी दोस्ती भी है, बड़े भाई की तरह है, गाइड करते हैं हमेशा, सपोर्ट करते हैं भाई। वो आगे बैठ भाई, इस कार को देख रहे हो आप, चलो दिखाता हूँ अंदर। ये रे बिना भैया, ठीक है भाई, तुम तो स्मार्ट से हो गए हो। ऐ क्यों मजाक कर रहे हैं भैया? राम 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 भाई। ये बिना भैया, भैया राम राम भाई। यो अमित भाई, ठीक है भाई, कसम से तुम तो स्मार्ट हो भाई। ये देखो ये वो ना प्रैंक गए ना, मेरी गैल भी प्रैंक की है रो अभी भी। मैं स्मार्ट, इतनी बुरी थूथरी लेकर कुदरत ने मैं धरती में भेजा हूँ भाई। 0.5 में बनती है, मुझे नहीं पता। 0.5 में बननी है, बनन दो इसमें। उसी में बना रखी, इसमें ना पूरा आ जाता है भाई। दुनिया में सबसे स्मार्ट सिर्फ एक बंदा है मेरी नजरों में, ये बैठा हुआ इधर, जो इससे पहले आ रहा था फेस, वो ये देख रहा और ये वाला फेस। और आज हम मिले हैं कई दिनों बाद, हाँ बहुत टाइम बाद, लेकिन हमारा भाईचारा ऑन टॉप रहता है। सही कह रहा हूँ ना, एकदम बेहतरीन। विनय भाई हमेशा सपोर्ट करते हैं भाई। और तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है ये बताओ। पूछना तो यही था लास्ट भाई, पूछना था मुझे कुल मिला के, पूछना तो यही था। लग रहा हूँ ना स्मार्ट भाई, आप तो स्मार्ट भाई। तू बता अंदर जल्दी बताओ, बत्ती ग्रीन है। अरे अपने वाले खा लेंगे सबसे बढ़िया। अरे टम्पू चिकन छोड़ देने का, बिरयानी खिला। अरे ब्लॉग चल रहा है बिरयानी। बिल्ला भाई ये तो तुम्हारी जा रही है, ये तुम्हारे पास भी थी ना ऐसी, क्या ये चार छल्ले वाली? हाँ मेरे पास Q5 थी, Q3 है। अच्छा Q5 थी, अब कहाँ है वो? बेच दी मैंने। अच्छा उसकी 5 साल हो गई थी। अच्छा 5 साल तक ही लिमिट है जी? ना ना, दिल्ली में 10 साल लिमिट है, लेकिन अगर उसे 5 साल और रखते ना तो उसकी कीमत यहाँ जीरो हो जाती, जीरो हो जाती उसकी भी। और मतलब 5 साल बहुत है एक कार। अब जैसे ये हमने स्कॉर्पियो ली थी, अब हम क्या कह रहे हैं कि जब जैसे थार आ गई 5 डोर, अगर वो अच्छी होगी तो इसे बेच के उसे ले लो, ले लेंगे। तो मतलब ये कि बंदे को मतलब अपनी अपनी पर्सनल चीज है, जैसे भाई चेंज करने का मन है, बदल ली 3-4 साल कार में, मतलब समझ रहे हो। उसके बाद जब अंकल वाली एज में आ जाएंगे तो फिर एक ही चलेगी। अभी है भाई, चलो शौक भी पूरा हो रहा है और अपना मन भी लग जाता है भाई। मौज है भाई तुम्हारी, मौज तो डीके भाई तुम्हारी है। और मौज नहीं है भाई, मौज तुम्हारी है बस। ये जो सही भाई जीव ने, ये जो क्रिएटर हवाबाजी करते घूम रहे हैं, तो सबसे पहले हमने ली थी और लेके भी बेच दी। वही तो मैं कह रहा हूँ डीके भाई, बंदे पता क्या, चार छल्ले वाली लोग सोचते तुमने लेके बेच दी और क्या चाहिए। बहुत साल हो गए यार, बहुत साल, 17 में ली थी, 22 बहुत साल हो गई। और बंदे अब हो के वहां से लेके हवाबाजी, पता नहीं क्या ही मजा आता है यार। वो तो ठाकुर साहब ने करके भी छोड़ दिया ये चीजें, क्या है ना डीके भाई, देखो वो लोग कर रहे हैं, मुझे ना अपने लिए पसंद है। सही बात है, समझो अपने लिए कि भाई अपने लिए बस। सही बात है, देखो जब हम पे ऑडी थी तो भाई ऐसा नहीं है, हम पे और कार नहीं थी उससे पहले कभी, एक जमाने पे हम वैगनार भी चलाते थे, समझ लो सबका होता। अब उसके बाद हमारा मन था भाई एक स्कॉर्पियो लेनी है, मतलब मैं स्कूल टाइम से सोचता था कि भाई स्कॉर्पियो जरूर लेंगे। जब नई आई तो यार मजा ही आ गया कि भाई इसका तो लुक भी अच्छा है। नहीं ये तो वैसे भी बेहतरीन है, अच्छी है, बेहतरीन। तो ऐसी है, अब मान लो कोई और नई कार आती है आगे चल के और मन बदलता है तो फिर भाई इसे बेच के उसे ले लेंगे। सही बात है, तो जहां दिल लगे ना भाई वो करो। Oh,
हाँ ठीक है भाई, आप बातें करें कुछ सिनेमैटिक में बनाऊं? 3x में बना लो, नॉर्मल में सिनेमैटिक में ही मस्त आ रही है। हाँ सिनेमैटिक में बना लो, सही लगने चाहिए बस। हाँ सही लगे। और ब्लॉग में भी कुछ कटा हुआ था, हम जो बात कर रहे हैं ना सब ब्लॉग में यहाँ कोई एडिटिंग नहीं होती। आवाज तो आई नहीं होगी उसमें? आ रही है भाई, पूरी आ रही है। अरे ना आएगी इतनी, नहीं आएगी इतनी, जितनी भी आएगी मैं कटेगी ना। चलो भाई ठीक है भाई। हाँ भैया आप भी, हमने बनाई हो रील, अमित भैया बना रहे, पता हो तुम? ये आगे बना भाई। भाई रील बनाई है बहुत कैडी कैडी, मतलब इतनी बुरी कहीं देखी नहीं होगी। विनय ठाकुर कैडी चीज। भैया आगे हम यहाँ, ये देखो, ये अब भाई बॉडी देख रहे हो भाई की कतई, ये और लोकेशन चेंज करी हमने रील, ये लोकेशन करी है, देखो आप देख रहे हो कितने मस्त लोकेशन है, झंडे वंडे है ना, महिपाल हर की ऊपर तो कहा बंद नहीं है, ऐसा तीसर जा रहे ध्यान में ता है। अरे भाई ये देख रहे हो कतई, ये लगा मैन पाची, देख रहे हो भाई चेहरे पे ग्लो आ रहा भाई के। पर्सनैलिटी है भाई की। रिन साबुन से नहा के आया हूं। रिन साबुन तो मैं सरप पे बासन धोने जूना तरह गड़ के आया हूं, खुदरो हैरो मो नौ लखा साबुन रगड़ के आया हूं। पांच भाई है ना, पीलो सो टिकिया धर के पाम धर के ना बनियान पर से भी पहन के और थपकी से जब ही मैं पे चुप गो मेरा। चलो भैया देखो अमित भाई हमारे एकदम एक्यूरेट की वहां पे खड़े पोजीशन पे, ये बहुत तेरी यार, ये तो तुम्हारा फोन तो बहुत खतरनाक है, भाई महंगा है क्या ये? भाई अपनों बता रहे, देखो मैं तो मजाक कर रहा है। भाई वीडियो यू यू करके बंदे ने वहां कर दिया यहां कर दिया, मेरा भाई महंगा था। भाई कहीं कहीं ना भाई वो है नोकिया C2 नोकिया C2 कीपैड वाड़ो ना अबे कैमरा, भाई झूठ बोलने भाई आईफोन है, ऊपर ले बटन तो जूम करते चले जाए, जूम है तो चलो जावे हो वो वाड़ो सीन है। अब हम बना रहे हैं एक आध रील बढ़िया बढ़िया सी, हाँ यहाँ पर रील बना रहे हैं, सीधा इंस्टाग्राम पे देखना आप ठीक है, और इंस्टाग्राम भाई फॉलो कर लो ABR Prank TV विनय ठाकुर और DK ठाकुर यूट्यूब के नाम पर ठीक है जी, और यहाँ पे पुलिस वाला कह रहा कैमरा चटक जाएगा, सुंदर इतने लग रहे हो मैं। नो चांद दाग ना लगे, मैं भी गैल खड़ो मजे लेके गया हूँ पुलिस वाला, खुद फोन तो बतरा रहा हूँ अपने, बिना हेलमेट के खुद बतरा रहा हूँ, छह दिन से बात कर रहा हूँ। हेलो बेबी, चलो भाई स्टार्ट है ना रीड, ठीक है टांगे बदल लेना भाई, हम जब पहली बार मिले, मतलब हम यही मिले, वहां के बाद गए हम दूसरे पार्क में जहाँ से अभी हम आए, जहाँ हम चाय पी रहे थे, तो वहाँ एक हम जब वीडियो बना रहे तो एक ने आके पता ना कहा, कही भैया वो ट्राइपॉड ध्यान, अमित भैया
क्या हुआ था, हम लोग ना आज से मान लो 5-6 साल पहले की बात है, तो शूट कर रहे थे पार्क में, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, वहाँ पे पता नहीं 3-4 लड़के थे, नशेड़ी थे, पता नहीं कैसे थे वो, थे जय बाबा मैं बक्की बक्की दिल्ली के कचरे, कमेंट सा करके चले गए पास में से, जैसे पता नहीं क्या कर गए। मैंने कहा यार कुछ तो बोल के गए, और मैंने थोड़ी देर बाद देखा वो एक बंदे की ना जेब सी काट रहा ब्लेड से। हाँ। मैंने कही मान जा, उसने कहा भाई नहीं है, उसने देखा मैं कुछ नहीं कहूँगा, और जैसे ही वो आया मैंने उतारा जूता, एक दिया थूक पे, जूते पे खून, और उसके बाद जो उसे तोड़ा हमने 2-3 दिन, भाई ट्राइपॉड था, ट्राइपॉड था सिरी सिर में बक्की बक्की बहुत मारा था। उसके बाद वो आज तक नहीं दिखे, ना कभी मेरे एरिया में दिखे, ना कभी पार्क ये था, वो कमेंट करके गए ना वहां के बाद, मतलब भीड़ तो ही पार्क में, अब कोई था जो ऐसे करके भाई ना पहन जो ये कुछ तो कर रहा है, तभी अच्छा ही सूटा था। गोरिल्ला ट्राइपॉड था वो, वो पूरा खत्म हो गया, इतना बड़ा था वो। उसके बाद उनकी जेब में जो पैसे निकले वो डीके वाइन ने जल्दी भाई ऐसा कुछ ना, झूठ झूठ झूठ, जो पैसे उनकी जेब में पा गए थे सालों को मार मूर के पर्स वर्स छीन के, उनके चिली पोटैटो चाउ, ओ भाई ऐसा कुछ ना, ये झूठ है भाई, ये सच्चाई भाई। ये पता मैं तो आया बन के, चल भाई की गल ब्लॉग बनाने, मेरे गल प्रैंक बनाना है, वो तो कह रहा काम है किसी का। पर भाई आज इतने दिनों बाद मिले हम, पहले जैसी वाइब आ रही है, मतलब हमारी तो ऐसी है, चाहे हम मिले या बात हो या ना हो, पर हमारी भाइयों वाली बात रहती है हमेशा यार, बहुत सपोर्टिवल है भाई, बहुत सपोर्ट करते हैं। क्या हूँ मैं सपोर्टेबल? ओ भाई मेरी फिल्म मत करो यार, इंग्लिश भाई फिल्म काट रहे हैं, तगड़ी वाड़ी देख रहे हो। और भाई समय आ गया है, अब है जुदाई का मौसम, अब है जुदाई का टाइम, अब डीके भाई जाने हमें छोड़ के, और ऐसी इसमें कोई खास दुख वाली बात नहीं है दोबारा मिलेंगे जल्दी, इतनी फिल्म काटी है ना और ये हमारा भाई आया एक, ये भी बहुत प्यारा है, और ये अमित भैया हैं, ये भी आज पहली बार मिले, इनसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा मैं भी पहली बार ही मिला हूँ आज तो भाई डीके भाई के चैनल को सारे सब्सक्राइब कर देना यार, ऐसे ही प्यार बनाए रखो, और लव यू सबको, राम राम जी।